कौन देना चाहता था पैसा, क्यों देना चाहता था, किसको देना चाहता था? बस हमारे मेरे घर वाले ने, मेरे जो ससुराल लुटा दिए, अपने यारों को लुटा दिया उनने, बस मेरा सब पैसा है। तो मतलब बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये भाई साहब। जी इस टाइम से मेरी माँ भी खत्म हो गई। माँ जी यो टाइम से मैं मेरे घर वाले को देख कर है। पापा हैं? पापा भी मेरे ख़त्म हो गए। बाप के बाद मैंने शादी करी थी, जब बाप ख़त्म हो गया, जब माँ के सुख के मारे शादी करी थी, वही सुख मेरी माँ को नहीं मिला, तो उसके बाद में ऐसा होया। क्या लगता है खुशियाँ कभी दोबारा वापस आएंगे? बस अब नसीब तो दौड़ता है, अब पता नहीं आवे नहीं आवे। बस अब मेरी जिंदगी जो, एक भाई का मेरे मर्डर कर दिया, उधर हमारे पापा को करवा दिया, एक भैया का मेरा फिर करवा के एक्सीडेंट करवा दिया। किसने मर्डर करवाया आपके भाई का? जी हमारे बिरादरी की है, कुछ गांव के पड़ोस के, जो हमसे देख चलने वाले थे, बड़े बड़े आदमी, हमारे जो पंतों का घर उजाड़ना चाह रहे, उजड़ गए। उजड़ गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर आप सुलझ जी ले लो। बस अब मैं भी अभी भाग का नहीं, जान तो मेरी भी ख़त्म में थी, हरिद्वार में आकर बचाऊँ मैं, मार मुझे भी दिया था भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हम हरिद्वार में हैं। कहते हैं नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। नशा कई घर को आजकल उजाड़ दे रही है। आजकल एक नशा जो है बच्चों में, खासकर युवाओं में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, नशा जिसे हम सुलोचन के नाम से जानते हैं। एक भैया मिल गए हमको सुलोचन जो पी रहे थे। किस तरह का नशा होता भैया ये सुलोचन? ये भैया ठंडक लाता है शरीर में, ठंडक के बाद उसके बाद आदमी की बुद्धि घूम जाती है, कुछ ना कुछ करता है आदमी। एक आदमी का चार आदमी दिखाई देता है उसका, एक पैसे को चार पैसे दिखाई देते हैं इसके नज़र में। जो नहीं कर पाता वो कर लेता। इसकी शुरुआत कहाँ से कर ली आपने? शुरुआत तो भाई तो मैंने ऐसी करी हरिद्वार से। हरिद्वार में आके? जी। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? मैं मुरादाबाद का। क्यों शुरुआत कर ली आपने? हैं? आपने क्यों शुरुआत कर ली इसकी, क्या वजह रही होगी? वजह बस ले ली ऐसी। क्या कोई टेंशन उनसन रहा होगा कुछ? मेरे टेंशन बस टेंशन है। टेंशन है? हाँ भैया। तो इसे छोड़ेंगे भी या इसे पकड़े रहेंगे? नहीं छोड़ दिया, आपसे वादा कर ले छोड़ देंगे। क्या करते हैं वैसे आप? मैं इसका काम करता हूँ वैसे ही। घर में कौन कौन है? घर में बीवी बच्चे बाल लगा हैं। जब घर में बीवी हैं बच्चे हैं, आप हरिद्वार में आए हैं, आप हरिद्वार में सुलोचन पी रहे हैं, कितना आपको लगता नहीं है गलत चीज़ें हैं? गलत लगती है बस, बिल्कुल गलत है सब चीज़। तो कब छोड़ेंगे इसे? हैं? कब छोड़ेंगे इसे? हमने तो आपसे वादा कर लिया भाई साहब, उसके बाद एक कपड़े के बाद हम कपड़े नहीं डलवाएंगे, अब कसम खा ली गंगा माँ की। अच्छा तो थोड़ा दिखाइए किस तरह का ये सुलोचन होता है। बेटा उठ जाएगा, आपको दक्षिणा दे रही पड़ेगी फिर मेरे, और दिखा दे रहा हूँ, लो देखो उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। दिखाते ही दिखाते आपका जो सुलोचन था उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। लौट आएगा कि नहीं आएगा? अब नहीं आएगा लौट, अब नहीं आएगा। माँ गंगा के सामने वादा है, माँ गंगा के सामने वादा है, यहाँ महादेव और माँ गंगा से वादा करके जा रहे हैं। आप अपने परिवार को बचाएंगे? जी अपने परिवार को बचाएंगे, हमारा देखो गुट्टी भी। जी भाषा तो मतलब अब अपने परिवार के साथ रहेंगे, नशा नहीं करेंगे सब चीजें। अच्छा क्या हुआ था जो आप घर से यहाँ आए सुलोचन पीने लगे, घर की क्या कहानी? घर की कहानी बात है बहुत पहले से, सन 2000 मेरी 15 से कहानी है, आप 22 हो गया जिंदगी का, बस मुझे पता दीजिए भैया हम भी जान जाए थोड़ा सा। तो बस अब मेरी जिंदगी में ऐसे ही हुआ, बस क्या बता दीजिए थोड़ा सा बात, बहुत सब कुछ बता ही रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए कुछ दुख दर्द बांटने से ना दुख कम हो जाता है, तो आपको ये पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस अब मेरी जिंदगी जो, एक भाई का मेरे मर्डर कर दिया, उधर हमारे पापा को करवा दिया, एक भैया का मेरा फिर करवा के एक्सीडेंट करवा दिया। किसने मर्डर करवाया आपके भाई का? जी हमारे बिरादरी की है, कुछ गांव के पड़ोस के, जो हमसे देख चलने वाले थे, बड़े बड़े आदमी, हमारे जो पंतों का घर उजाड़ना चाह रहे, उजड़ गए। उजड़ गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर आप सुलझे? बस अब मैं भी अभी भाग का नहीं, जान तो मेरी भी ख़त्म में थी, हरिद्वार में आकर बचाऊँ मैं,
मार मुझे भी दिया था भाई साहब। कौन मारना चाहता था, क्यों मारना चाहता था, कोई वजह हो रही होगी खास? खास वजह भाई साहब, बस मैं बिकी तो लड़ाई तुम्हें पता ही है, उससे जब बोला पैसा ले ले, दो ले ले, कुछ ले ले, वो नहीं माननी। मैं माफ़ को उसकी पूरी कहानी तो उसमें आदमी काट सका है। कौन देना चाहता था पैसा, क्यों देना चाहता था, किसको देना चाहता था? बस हमारे मेरे घर वाले ने, मेरे जो ससुराल लुटा दिया, अपने यारों को लुटा दिया उनने बस मेरा सब पैसा है। तो मतलब बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये भाई साहब। जी इस टाइम से मेरी माँ भी ख़त्म हो गई माँ जी, यो टेंशन में मेरे घर वाले को देख के है। पापा हैं? पापा भी मेरे ख़त्म हो गए। बाप के बाद मैंने शादी करी थी, जब बाप ख़त्म हो गया, जब माँ के सुख के मारे शादी करी थी, वही सुख मेरी माँ को नहीं मिला, तो उसके बाद में ऐसा होया। क्या लगता है खुशियाँ कभी दोबारा वापस आएंगी? वैसे नसीब तो दौड़ता है, अब पता नहीं आ भी नहीं आवे। तो आप देख सकते हैं भाई ने जो बताया, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ये दिन किसी को ना दिखाएं, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि भगवान की शरण में जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और ये सब पीना बंद कीजिए, शायद कुछ अच्छा हो, भगवान कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, हरिद्वार।